बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 40 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 हमारा सेट्स, फंक्शंस और ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहले सेट क्या है? तो सेट डिफाइंस है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो कलेक्शन मींस चीजों को इकट्ठा करना है। वेल डिफाइंड होती है जो चीजें हमारे पास अच्छी तरह से वाजह होती हैं। लेट्स से जैसे अगर मैं कहूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है n इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन, लेकिन ये हमारे पास ये बात बड़ी अच्छे तरीके से वाजह है कि नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। तो वेल डिफाइंड मींस कि ऐसे सेट्स होंगे जिसको हम जिसके बारे में कोई अभाम पैदा नहीं होता कि ये सेट जीरो से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव हैं, या क्या चीज है। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो आप बड़े इजीली आप बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड होते हैं। अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो आप होल नंबर के बारे में लिखते हैं 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, कलेक्शन मींस क्या, इकट्ठा करना है अपनी चीजों को। वेल डिफाइंड जो चीजें अच्छी तरह से वाजह है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ चीजें, डिस्टिंक्ट होता है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट चीजें। तो ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे कोई भी मेंबर जो है सेट का वो रिपीट नहीं होता, दीज आर कॉल्ड मेंबर्स आर एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स, इनको हम मेंबर्स आर एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हमारे पास सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लेट हमारे पास अगर ये सेट है n इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर इसी सेट को मैं वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में लिखूंगा, वर्डिंग की फॉर्म में लिखूंगा। लेट्स से अगर ये नेचुरल है तो मैं लिखूंगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट वही है, जस्ट उसके लिखने का स्टाइल अलग है कि हम नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं वर्डिंग में लिखूंगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरी फॉर्म होती है हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर हम सेट को नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये हमारे पास मैंने लिखा है n इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो नंबर्स की फॉर्म में अगर मैं लिखूं सेट को तो ये टेबुलर फॉर्म के अंदर आता है। थर्ड है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। इसके अंदर हम सेट्स को सिंबॉलिकली लिखते हैं कि समटाइम हमारे पास सेट्स बहुत बड़ी फॉर्म में होते हैं जिनको वर्डिंग में लिखना या उनको नंबर्स में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम सेट्स को सिंबॉलिकली लिखते हैं, जिसमें लेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर देखें हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन जा रहे हैं, तो इसको मैंने बड़े आसानी से सिंबॉलिकली लिख दिया एक्स आई जेड एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये वही बात है कि जैसे ये मैं लिख दूं सेट को 1 2 3 या द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट की डेफिनेशन और इसके लिखने के 3 तरीके जो है, ये फर्स्ट हमारे पास ये था। तो इसमें सेट के अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और सेट को 3 तरह से हम लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर नोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास नहीं, मींस के मुख्तलिफ हमारे पास जो वेल डिफाइंड सेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का सेट जो हमारे पास है
सिंबॉलिकली हम इसको एम से लिखते हैं, एम एन इक्वल टू, और ये हमारे पास सेट होता है जो वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री अप टू सो ऑन। और सेकंड हमारे पास होता है होल नंबर, होल नंबर, और होल नंबर को हम W से लिखते हैं। एंड अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर जीरो शामिल कर दें तो हमारे पास होल नंबर बन जाते हैं, जीरो वन टू थ्री अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास इंटीजर्स क्या हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर हम इसको Z से लिखते हैं, और इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन, और सेकंडली और मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, जीरो वन टू थ्री अप टू सो ऑन, एंड लेफ्ट साइड पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री की फॉर्म। फिर हमारे पास आ जाते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे सेट्स हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स से सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसमें हमारे पास जो सेट होता है इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग करता है हमारे पास p by q की फॉर्म में, where p and q belong करते हैं integers and q not equal to zero, कि ऐसे numbers जिनको हम p by q की form में लिख सकते हैं, और हमारे पास p और q यहाँ पे क्या है, integers हैं, और q कभी भी zero के equal नहीं होगा, क्योंकि अगर q हमारे पास zero के equal होता है तो ये undefined form बनती है, तो हमारे पास set के form में undefined form शामिल नहीं होती, तो इस वजह से हमारे पास रैशनल नंबर जो होते हैं वो x such that x belong करेगा p by q की form में, and b q belongs to integer and q is not equal to zero। फिर हमारे पास आ जाता है set of odd number, odd number, odd numbers को हम o से लिखते हैं, और इसमें हमारे पास तमाम के तमाम वो points होते हैं जो two के table पे divide नहीं होते, जैसे हमारे पास plus minus one है, plus minus three, plus minus five, plus minus seven, up to so on। फिर हमारे पास आ जाता है इवन नंबर। इवन नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो टू के टेबल पे डिवाइड होते हैं, जैसे, और इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स अप टू सो ऑन की मार्क्स। फिर हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल होते हैं, और हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को हम क्या डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, x such that x is not equal to p by q, and where p and q belongs to integer and q is not equal to zero। के ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे पास कि जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड कुछ सेट हैं, जैसे नेचुरल नंबर है तो अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास वहां से स्टार्ट हो, फिर होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 0 से जो सेट स्टार्ट हो, फिर इंटीजर्स आ जाते हैं जो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, फिर रैशनल नंबर जिनको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर हमारे पास ऑड नंबर्स आ जाते हैं जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होते, और फिर इवन नंबर जो 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, फिर इरेशनल नंबर्स आते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड सेट हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि कुछ सेट की जो मजीद जो हमारे पास है, कि हमारे पास इक्वल सेट क्या होता है, फिर इक्विवेलेंट सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या है, एम्प्टी सेट, नल सेट, तो ये कुछ डेफिनेशन है हमारे पास।
सबसे पहले इक्वल सेट क्या है? इक्वल सेट, देखिए इक्वल होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक नंबर वन, अगर मैं लेट करता हूं ए इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी मैं लेट करता हूं बी इक्वल टू 2, 3, 1 एंड सी मैं लिखता हूं ए बी एंड सी की फॉर्म में, तो इक्वल सेट के लिए जरूरी है कि दो सेट जो हैं उसके अंदर सेम एलिमेंट्स हों और उनका ऑर्डर भी सेम हो। तो जैसे देखें हमारे पास सेट ए एंड बी है, तो देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के अंदर 3-3 है, इट्स मीन दैट कि दोनों का ऑर्डर सेम है। नंबर टू के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए 1, 2, 3, 2, 3, 1, तो इट्स मीन दैट दोनों के जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी सेम है, तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो ए एंड बी है ये दोनों क्या है? इक्वल सेट। तो सो मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू बी। तो दो कंडीशन सामने पड़ी यहां पे इक्वल होने के लिए, नंबर वन कि ऑर्डर ऑफ अ सेट इक्वल होना चाहिए, नंबर टू एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब हमारे पास जो इक्विवेलेंट सेट है वो क्या है? इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट सेट के लिए एक कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ अ सेट इक्वल होना चाहिए। जैसे देखें ए इज इक्विवेलेंट equivalent to C and also B is equivalent to C। तो equivalent के लिए एक condition है हमारे पास कि order of a set जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे देखें इसके अंदर number of elements कितने हैं? 3। set C के अंदर number of elements कितने हैं? 3। तो it means that कि A is equivalent to सी। सिमिलरली देखें कि बी के अंदर भी 3 है एंड सी के अंदर भी 3 है, तो सिमिलरली बी इज इक्विवेलेंट टू सी। एक बात याद रखिए कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, नोट है याद रखें, नोट एवरी इक्वल सेट इज आल्सो इक्विवेलेंट, कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, हर इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होता। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं होती, जस्ट इंप्लाइज है कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, लेकिन कन्वर्स इसका कि हर इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होता। तो नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑफ अ सेट, लेट हमारे पास ए है 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ऑर्डर ऑफ अ सेट से क्या मराद है? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, लेट देखें हमारे पास ए सेट है 1, 2, 3, 4, 5, तो इट मीन दैट कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5, कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट कंटेन करे, कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है वो हमारे पास सिंगलटन सेट होता है। अब एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट, अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट भी ना हो जैसे ये 5 हो, तो ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट और नल सेट भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि सबसेट क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या है। तो ऐसे सेट्स जिनके लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसकी हम लास्ट हद जानते हैं, लिमिट उसकी, कि लेट ए है हमारे पास ए इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 10, देखिए हम काउंट कर सकते हैं, अगर किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको हम काउंट कर सकें
तो हमारे पास फाइनाइट सेट होता है। और अगर इनफाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट लेट बी इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, कोई पता नहीं ये सेट कहां तक जा रहा है। तो अगर हमारे पास किसी सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, कि जिसकी हमें हद पता नहीं है कि ये कहां तक जा रहा है। आगे सब सेट क्या होते हैं, सब का मतलब है कि हिस्सा, उसका जो सेट है पहले फिर है सब सेट। सेट से मराद कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सब सेट से मराद कि उसी सेट का कोई हिस्सा होगा। लेट ए है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी इक्वल टू 2, 3, 4। तो देखें ये दोनों सेट्स मैं कैसे कहूंगा कि B इज अ सबसेट ऑफ A। देखें कब, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B कंटेन इन A, कि अगर B का हर एक एलिमेंट A सेट के अंदर मौजूद हो, जैसे देखें 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 इस सेट के अंदर मौजूद है तो ये हमारे पास है सब। अब इक्वल भी हो सकते हैं, इसके अंदर अगर 1 और 4, 5 भी शामिल कर लूं तो ये B इज सबसेट ऑफ A, B इज ये इक्वल का साइन है तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब सबसेट की हमारे पास दो आगे टाइप हैं, एक है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के अंदर हमारे पास अगर ए कोई सेट है 1, 2, 3 और 4 एंड बी कोई है 1, 2, अगर B के कम से कम जो कम से कम जो हमारे पास सेट, अगर A में ले तो 1, 2, 3, 4 एंड B 1, 2, तो एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ सेट A इज नॉट कंटेन इन सेट B। अगर कम से कम सेट A का एक एलिमेंट B के अंदर मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। और इसको सिंबॉलिकली लिखता हूं B की सबसेट ऑफ A, इक्वल का साइन यहां पर मैं शामिल नहीं करता। नेक्स्ट इम्प्रॉपर सबसेट, तो अगर ए हमारे पास सेट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी हमारे पास सेट है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो मैं इसमें इक्वल का साइन शामिल कर सकता हूं कि क्योंकि हमारे पास दोनों के अंदर एलिमेंट्स जो हैं सेम हैं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब इसको डायरेक्टली मैंने कह दिया कि बी इज सबसेट ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो अगर यहां से रीड करूं तो यहां से कहूंगा कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी। ये मींस के अगर कन्वर्स इसका मैं करूं तो यहां से तो मैंने कहा कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो यहां से अगर मैं कहूंगा तो बी इज इम्प्रॉपर, बी इज सुपर, ए इज सुपर सेट ऑफ ए, B सबसेट ऑफ A एंड A सुपरसेट ऑफ B की मान। फिर हमारे पास आ जाता है कि पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ऐसा सेट, अ सेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल सेट सेट ऑफ सेट गिवन सेट। देखें अगर लेट मैं ले लेता हूं A इक्वल टू 1, 2, तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो हैं, सबसेट ऑफ A इक्वल टू, सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, फिर हमारे पास 1, फिर 2, फिर 1 और 2 की फॉर्म। तो देखिए पॉसिबल सबसेट कौन कौन से हैं, 5, 1, 2 और 1, 2, ये मेरे पास क्या है, पॉसिबल सबसेट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सबसेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू ब्रैकेट एक शामिल करनी है इसके अंदर 2 और 1 और 2 की फॉर्म। तो देखिए पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू दिस ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। तो पावर सेट की भी डेफिनेशन होगी हमारे पास, अ सेट
असेट विच कंटेन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। लेट्स हमारे पास जैसे ए सेट है तो इसके सबसेट ये हैं, तो इसके अगर मैं इसको बंद कर रहा हूं मजीद एक ब्रैकेट के अंदर, तो असेट क्योंकि सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, तो असेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है हमारे पास जिससे बाकी सेट जो है वो डिफाइन होते हैं, बनते हैं। लेट अस मैं कहता हूं यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 1 एन की फॉर्म। अब मैं सेट यहां से बना देता हूं, ए है 1 3 5 अप टू 1 9 एंड बी सेट है हमारे पास 2 4 6 अप टू 1 10 तक। तो देखें ए सेट भी यू के अंदर मौजूद है और बी सेट भी यू के अंदर मौजूद है। इट्स मीन दैट यू इज द यूनिवर्सल सेट। यू हमारे पास बेसिक है कि यू से हम मजीद जो है नेक्स्ट सेट्स बना सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होगा? ऐसा सेट जिससे बाकी सेट्स हम डिफाइन कर सकते। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हमने सेट्स के बारे में पढ़ा और इसके अंदर मुख्तलिफ जो वेल डिफाइंड सेट्स हैं उसके बारे में पढ़ा, कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ी कि इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, फिर हमारे पास प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं और यूनिवर्सल सेट पावर सेट क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद इसी एक्सरसाइज को लेके चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।